हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। चलिए शुरू करते हैं। द इम्यून सिस्टम आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, आल्सो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमारी मदद करता है। आगे हम बात करते हैं तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी ह्यूमन इम्यून सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, उसमें शामिल होता है लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू से लिम्फॉइड सेल्स जिसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। आगे आता है लिम्फॉइड, सॉरी एंटीबॉडी या सोल्यूबल मॉलिक्यूल, ये होता है ठीक है। सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड सेल्स जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं या फिर एंटीबॉडी। चलिए शुरू करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, यानी कि जो लिम्फोसाइट सेल का मैच्योरेशन कराए है ना, वह ऑर्गन वह जगह है जहाँ पे लिम्फोसाइट सेल का मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है और ओरिजिन होती है, उसी को हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैच्योरेशन का मतलब देखिए, यहाँ पे मैच्योर हो रहा है, स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। प्रोलिफरेट का मतलब जैसे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर, वो क्या होगा? प्रोलिफरेट होगा, उसके नंबर बढ़ेंगे यहाँ पे, यानी कि प्रोलिफरेट हो रहा है। ये दो तरीके के होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में देखिए क्या है, बोन मैरो एंड थाइमस है। इधर देखिए स्ट्रक्चर में दिया गया है, थाइमस ये रहा, बोन मैरो ये रहा। आगे स्प्लीन है, देखिए स्ट्रक्चर में स्प्लीन दिखाया गया है। लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल है, पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है और अपेंडिक्स है ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, थाइमस है, बोन मैरो है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फ नोड स्प्लीन पेयर स्विचेस इज ऑल लिम्फ नोड्स है। इस स्ट्रक्चर में आप समझ लीजिए हमने तीन चार स्ट्रक्चर दिखाए हैं, इसलिए ताकि कोई ना कोई तो दिमाग में फीड रहे, ताकि हम कभी भी क्वेश्चन लगाएं तो दिमाग में ये आ जाए कि हाँ ये चीज़ हमने कभी देखी थी, सोची थी, समझी थी है ना। ये देखिए टॉन्सिल है, थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, थोरेसिक डक्ट्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट इंटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, इसका काम क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करना। क्या डिफ्रेंशिएट करता है? डिफ्रेंशिएट ये करता है कि जितने भी हमारे पास मेच्योर माइग्रेट कराता है, फिर आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। देखिए होता क्या है, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ क्या होते हैं, मेच्योर और इमेच्योर दोनों तरीके के सेल होते हैं। जैसे अब ये क्या है, हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जैसे जैसे यहाँ पे ये मेच्योर होते रहते हैं, ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जितने भी मेच्योर होते हैं माइग्रेट करते रहते हैं। मेच्योर कैसे माइग्रेट करते हैं, देखिए ऐसे जाता रहता है, जाता रहता है, जहाँ जो जो मेच्योर होते रहते हैं वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास जाते रहते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का काम क्या होता है, यहाँ पे इसका प्रोलिफरेशन होता है, इसका नंबर बढ़ता है, ये अपने आप के नंबर को बढ़ाते हैं और ये तैयार हो जाता है एंटीजन से फाइट करने के लिए। आगे चलते हैं। बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फॉइड सेल्स। ये क्या होता है, बोन मैरो जो होता है आपका मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है और इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं सबको प्रोड्यूस करता है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट लिम्फोसाइट जितनी भी सेल्स होती हैं सब प्रोड्यूस करता है, और जितने भी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और एनके लिम्फोसाइट यानी नेचुरल किलर लिम्फोसाइट सेल्स सबको प्रोड्यूस करता है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या होता है, थाइमस होता है। थाइमस का क्या काम होता है, थाइमस करता क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है थाइमस का, कह रहा है कि हार्ट के पास होता है ना, नियर द हार्ट, ये नियर के हार्ट, हार्ट के नियर में है,
इसके बाद ब्रेस्ट बोन के पास कह रहा है, यहाँ देखिए ये ब्रेस्ट बोन, इसी को ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट बोन है, यहाँ देखिए थाइमस है। आगे चलिए स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज एंड बाई द टाइम प्रीबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज। कहने का मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस की साइज छोटी होती जाती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी साइज बड़ी होती है। आगे चलिए, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है, माइक्रो इन्वायरमेंट, मतलब छोटी सी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है किसके लिए, डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। टी लिम्फोसाइट सेल के मेचुरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए बोन मैरो एंड थाइमस माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आगे देखिए, ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस की साइज देखिए बड़ी है, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, उससे छोटी, उससे छोटी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस की साइज छोटी होती जाती है। आगे स्प्लीन क्या है, देखिए स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है स्प्लीन क्या है, ये देखिए स्प्लीन है ना, स्प्लीन में क्या कर रहा था, स्प्लीन नीचे लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, देखिए हमारे पास इन है, यहाँ के स्ट्रक्चर में कुछ बीन लिए हमने, ये बीन देखिए कुछ हमने जूम किया, एक बीन को लिया, ये देखिए मिलता जुलता लग रहा है, ये बीन और ये स्प्लीन है ना, एकदम बीन जैसा मिलता हुआ जुलता लग रहा है। द मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, इसमें क्या शामिल होते हैं, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में फेगोसाइट और लिम्फोसाइट सेल्स शामिल होती हैं। इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ ब्लड बाई ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि इसका काम क्या होता है, फिल्टर ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्टर कराता है, ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लड को जन्म देंगे उनको ट्रैप कर लेता है। आगे क्या होता है, स्प्लीन ऑल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेथ्रोसाइट, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी इरेथ्रोसाइट सेल्स होते हैं आरबीसी, उसका मेन रिजर्वायर इसके पास होता है, क्या करता है देखिए ये तुरंत इकट्ठा, जैसे देखिए सेल आयो आयो ऐसे आती रहती है, सारी सेल आके इसके पास इकट्ठा हो जाती है। आगे चलते हैं, लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, तो लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग द लिम्फोटिक सेल सिस्टम है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कह रहा है कि लिंगुअल लिम्फ नोड्स हैं क्योंकि ये लिंग पोर्शन पर है जहाँ पे पाई जाती है, एक्सिलरी एक्स पे पाई जा रही हैं तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ईपी अगर ट्रोक्लियर पे पाई जा रही हैं तो ऊपी, ईपी का मतलब होता है ऊपर, ट्रोक्लियर का मतलब होता है ट्रोकिया, जहाँ ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जहाँ पे होता है, तो ईपी ऊपर का है लिम्फ नोड्स हो गया, वहाँ पे सुप्रा क्लैवियल जो क्लैटियल हड्डी होती है उस पर होता है, तो सुप्रा मतलब ऊपरा हो गया है ना, तो लिम्फ नोड्स होती है, सर्वाइकल जो होता है वहाँ पे पाया जाता है, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हम इसे कह देते हैं। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिज्म विच हैपन टू गेट इन टू द लिम्फ एंड द टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ नोड करता क्या है, इसका काम होता है ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और कोई भी एंटीजन आता है उसको भी पकड़ लेता है, विच हैपन टू गेट टू लिम्फ, अगर भाई देखिए क्या करता है, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूड में हैपन कराता है, उससे हाल चाल पूछते, चलिए कि स्ट्रक्चर की सहायता से समझते हैं। एंटीजन ट्रैपिंग इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जैसे ही वहाँ पे पकड़ा जाता है तुरंत लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट हो जाती है, प्रेजेंट देयर द कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। आगे देखिए स्ट्रक्चर की सहायता से समझते हैं, ये हमने यहाँ पे क्लेविकल लिम्फ नोड्स यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, उसको हमने थोड़ा सा जूम किया है, यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए क्या है, लिम्फ नोड है, ये लिम्फ वेसल्स है। अब ये मान लीजिए आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई इसकी, होगा क्या, ये यहाँ पे आएगा और इसको पकड़ लिया जाएगा, और जैसे ही जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये आया इसको पकड़ लिया गया, ये जैसे ही पकड़ाएगा तुरंत ही खबर पहुँच जाएगी लिम्फोसाइट सेल्स के पास, लिम्फोसाइट सेल आके इसको देखेंगे, इसका कागज पत्तर लेंगे, जैसे कि छोटा अधिकारी गाड़ी रोकाता है, बड़ा अधिकारी आके चेक इन करता है, कागज पत्तर चेक करे, तो कागज पत्तर पे चेक इन होगी उसकी, उसको देखेगा कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानकारक है, तो अगर फायदेमंद होगा तो उसको छोड़ देगा, नुकसानकारक होगा तो उसको मार के सुटा देगा। ओके
म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू क्या होते हैं? देखिए क्या होते हैं, दिस इज लिम्फाइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। म्यूकोसल का मतलब होता है कि जहाँ पे म्यूकोसा पाई गई है ना, मतलब वह लिम्फाइड टिश्यू। अगर देखें, अगर हम हेडिंग से ही पढ़ें तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू का मतलब होता है, यानी MALT मल्ट का मतलब होता है कि वह लिम्फाइड टिश्यू जिसमें म्यूकोसा पाया जाए, म्यूकोसा यानी कि मिसकोसा पाया जाए। कहाँ कहाँ होती हैं ऐसी सेल्स? रेस्पायरेटरी में होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, और यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी ऐसी सेल्स पाई जाती हैं। इट कंट्रीब्यूट एट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। 50% लिम्फाइड टिश्यू जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? म्यूकोसल पाए जाते हैं, लिम्फाइड टिश्यू। जितने लिम्फाइड टिश्यू 50% हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, समझ लो। आगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।